फल की मक्खी का हमला। फल की मक्खी अमरूद और आम के बाद तरशादा फलों को भी मुतासिर कर रही है, इसलिए तरशादा फलों को फल की मक्खी के हमला से बचाकर बैरून मुमालिक उनकी बरामदात को मुतासिर होने से बचाया जा सकता है। जबकि जमीन पर गिरे हुए तरशादा फल मक्खियों की अफजाइश नस्ल का मोजिब बनने लगे हैं, लिहाजा बागबानों को फल की मक्खी के हमला से बचाव और सुंडियों की तलफी के लिए बागात में गिरे हुए फलों को फौरी इकट्ठा करके किसी दूसरी जगह जमीन में दबाने की हिदायत की गई है, ताकि सेहतमंद फलों को मक्खियों के हमला और नुकसान से बचाया जा सके। जामिया ज़रावा फैसलाबाद के माहिरीन ज़रात ने बताया कि तरशादा फलों के मुतासिरा दरख्तों के नीचे फौरी हल्की गोडी करने से मक्खी का प्यूपा सूरज की रोशनी में तलफ हो जाता। ताहम नर मक्खी के तदारुक के लिए मिथाइल बोजिनाल की 5 जिंसी फंदे फी एकड़ भी लगाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि मादा मक्खी का तदारुक प्रोटीन हाइड्रोलाजेट के इस्तेमाल से भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बागबान पिटसुन की पुरानी बोरियों के टुकड़ों को शीरी में भिगोकर उनके ऊपर ट्राइक्लोरोफान का धोड़ा करें और बाग में सायादार जगहों पर फैला दें, क्योंकि इस अमल से फल की मक्खी के तदारुक में मदद मिलने समेत फल की क्वालिटी बेहतर होगी। तरशादा फलों पर फल की मक्खी के हमला के बाइस बैरूनी ममालिक में उनकी बरामदात मुतासिर हो रही है। उन्होंने बताया कि फल की मक्खी की जसामत घरेलू मक्खी से जरा बड़ी होती है, मगर मक्खी का रंग सुर्खी माइल भूरा और जिस्म पर जर्द रंग की 2 लकीरें लंबाई के रुख अतरश रुख होती है। इसके बच्चे सुंडी की शक्ल के होते हैं, जिन्हें मीगेट कहते हैं, और ये सुंडियां फल के अंदर गूदा खाकर परवरिश पाती हैं और साथ साथ अपना फुजला फल के गूदे में शामिल करती रहती हैं, जिससे फल गंदे और गिल सड़ जाते हैं। फल में सुंडियां मौजूद होने की वजह से मार्केट में कम कीमत लगती है और उसको स्टोर करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने बताया कि फल की मक्खी जब छोटे फल पर डंग मारती है तो उसके बाद वहां फल के छलके की रंगत दायरा नुमा शक्ल में जर्द होना शुरू हो जाती है और फल अंदर से गलना सड़ना शुरू हो जाता है, जो बाद में पौधे से गिर जाता है। ऐसे गिरे हुए फलों में फल की मक्खियों की सुंडियां परवरिश पाती और मुकम्मल मक्खियां बन जाती हैं, जबकि ये मक्खियां पौधों पर मौजूद सेहतमंद फलों को नुकसान पहुंचाने का बाइस भी बनती हैं। बागबान मजीद रहनुमाई के लिए महकमा ज़रात के फील्ड स्टाफ की खिदमात से भी इस्तिफादा कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब करें ताकि अब बर वक्त मजीद मालूमात हासिल कर सके। देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।